तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज अपन देख रहे हैं, और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में अपन ने तीन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कर ली है। कौन कौन सी? एक तो फर्स्ट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आरएलवीपी, सेकंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ना ईबीपी, और थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये तीन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपन ने कर ली है, और अब हमारी आ रही हमारी नेक्स्ट एंड लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, कौन सी? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, तो सबसे पहले अपन ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हम समझेंगे ऑस्मोसिस को। ठीक है, और ऑस्मोसिस के साथ साथ ही हमको समझना होगा डिफ्यूजन को भी। तो अब नेक्स्ट आ रहा है हमारा क्या? डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। आओ देखो, फर्स्ट अपन देखते हैं डिफ्यूजन को। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन समझे, डिफ्यूजन को। ठीक है, आओ, डिफ्यूजन वैसे तो हमने गैसेस में तो समझ ही रखा है। ठीक है, गैसेस में समझते हैं पहले। गैसेस में क्या होता है डिफ्यूजन? गैसेस में अगर देखें, गैसेस की प्रॉपर्टी डिफ्यूज होने की। ठीक है, किसी भी गैस को अगर आप कहीं पर रख दोगे तो वो अपनी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करती है, जब तक कि कंसेंट्रेशन सब जगह सेम ना हो जाए। थ्रू आउट द कंसेंट्रेशन जब तक सेम ना हो जाएगी, तब तक वो क्या करती रहेगी? गैस मूव करती रहेगी, उसी को हम बोलते हैं डिफ्यूज होना, डिफ्यूजन। ठीक है, बट अभी हमको बात करनी है सॉल्यूशंस के लिए। अभी अपन डिफ्यूजन की डेफिनेशन बना रहे हैं, किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन के लिए कैसे बनाए। देखो, एक अपन बीकर ले लेते हैं। ठीक है, एक बीकर लिया, उसमें पहले क्या कर लेंगे, उसमें पहले एक कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लेते हैं। कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन कुछ भी ले सकते हैं अपन, जैसे कि कंसेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया अपन ने, है ना, डार्क ब्लू कलर का कंसेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमने ले लिया है क्या, कंसेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो कि अभी कैसे कलर का है? डार्क ब्लू कलर का। ठीक है, डार्क ब्लू कलर का एक बीकर में हमने कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लिया। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें अपन को बाहर से वाटर ऐड करना है। बट वाटर कैसे ऐड करना है? वाटर ऐड करना है अलोंग द वॉल्स ऑफ बीकर, है ना, बीकर की वॉल्स के थ्रू आपको वाटर इसमें ऐड करना है। यहां से वाटर ऐड करना है आपको, ठीक है, इधर से। तो ये वाटर आपने ऐड किया अलोंग द वॉल्स ऑफ बीकर, बीकर के वॉल्स के थ्रू आपने वाटर ऐड किया, है ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सॉल्यूशन डिस्टर्ब ना हो, हम इस सॉल्यूशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे, इसलिए वाटर धीरे धीरे और अलोंग द वॉल्स ऑफ बीकर अपन इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब वाटर अपन ने इसमें ऐड किया, ठीक है, तो जब हम वाटर इसमें ऐड कर देंगे तो इमीडिएटली तो वाटर इसके अंदर डिजोल्व होगा नहीं, है ना, इमीडिएटली तो वाटर इसके अंदर डिजोल्व होने वाला है नहीं। तो क्या होगा, वाटर की और सॉल्यूशन की दो सेपरेट लेयर हमको दिखेंगी। ठीक है, एक तो सॉल्यूशन, ये कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, विस्कस सॉल्यूशन है, और वाटर हमने धीरे धीरे ऐड किया अलोंग द वॉल ऑफ बीकर हमने ऐड किया है, तो वो इमीडिएटली तो इसमें मिक्सअप होगा नहीं। ठीक है, तो वाटर की एक अलग लेयर दिखेगी और सॉल्यूशन की एक अलग लेयर दिखेगी। अब ये सेपरेट लेयर दिख रही है, ठीक है, ये वाटर की लेयर दिख रही है, ठीक है, और ये सॉल्यूशन है, तो दो सेपरेट लेयर दिख रही है। अब आप इस बीकर को ऐसे कैसे स्टैंडिंग पे रख देंगे, है ना, आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर फ्यू आवर्स आप इसको देखेंगे, है ना, इसको स्टिरिंग नहीं करनी है, अपने मिक्स नहीं करना है, स्टिर नहीं करना है। ठीक है, एज इट इज इसको छोड़ देना, आफ्टर फ्यू डेज या आफ्टर फ्यू आवर्स आप इसको देखें तो अब हमको क्या दिखेगा, है ना, ये आफ्टर फ्यू डेज, हाँ, एक दो दिन बाद, दो दिन बाद, तीन दिन बाद आप इसको देख सकते। तो अब हमको ये सॉल्यूशन, पूरा जो सॉल्यूशन है वो कैसा दिखेगा, यूनिफॉर्मली ब्लू। ठीक है, ये पूरा हमको होमोजेनियस मिक्सचर की फॉर्म में दिखेगा, और अब इसका कलर भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। पहले जो डार्क ब्लू था, अभी पेल ब्लू कलर का हो जाएगा। कैसा हो चुका है अभी, अभी पेल ब्लू कलर का सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है, अब इसमें वाटर और क्या, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। ठीक है, यानी मिक्सचर कैसा हो गया, अभी पेल ब्लू सॉल्यूशन जो है वो कैसा बन चुका है, होमोजेनियस मिक्सचर ये बन चुका है, होमोजीनियस मिक्सचर ये बन चुका है। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर ये बन गया। अब
बस तो ये अब जो हुआ है ना, तो ये क्या हुआ इसमें, इसमें हुआ क्या है, इसमें ये हुआ है कि वाटर के मॉलिक्यूल किसके अंदर एंटर कर गए, वाटर के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में एंटर कर गए, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में जा रहे हैं, और सॉल्यूशन से जो कॉपर सल्फेट के पार्टिकल हैं, कॉपर सल्फेट के पार्टिकल वो कहां आ रहे हैं, वो वाटर में आ रहे हैं, कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स वाटर में मिक्स हो रहे हैं, ठीक है, वाटर के पार्टिकल सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो किसमें मिक्स हो रहे हैं, वाटर में, यानी जैसे अगर कॉपर सल्फेट की बात कर रहे हैं तो कॉपर सल्फेट के कॉपर का आयन, कॉपर और सल्फेट के जो आयन है CO2+ आयन और सल्फेट आयन, वो इसमें मिक्स हो रहे हैं, आ रही बात समझ, और फाइनली ये सॉल्यूशन कैसा हो चुका है, होमोजीनियस मिक्सचर बन चुका है, आ रही बात समझ। बस ये जो हुआ है इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन, इसी को क्या बोलेंगे अपन, डिफ्यूजन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें कि ये जो मिक्सिंग हुई है ना, ये जो मिक्सिंग हुई है ये हमने करवाई है या अपने आप ही हुई है ना, हमने तो इसको स्टीम नहीं किया, हमने तो बस इसको इसमें वाटर ऐड करके और ऐसे कैसे इसको अपन ने छोड़ दिया था। अब ये जो मिक्सिंग हुई थी, ये कि सॉल्यूशन उसमें जा रहा है, वाटर इसमें जा रहा है, ये तो अपने आप ही हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस है, कैसा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। मिक्सिंग दोनों की हुई है, सॉल्वेंट की भी हुई है और सॉल्यूट की भी हुई है ना, कॉपर सल्फेट वाटर में मिक्स हुआ, वाटर कॉपर सल्फेट में सॉल्यूशन में मिक्स हुआ है, तो दोनों की मिक्सिंग हुई है और फाइनली फिर सॉल्यूशन कैसा बन गया, होमोजीनियस मिक्सचर। तो बस इसी तरीके इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, आ रही बात समझ में। तो क्या बनेगी डेफिनेशन यहां से, यहां से अगर अपन डेफिनेशन बनाए तो क्या डेफिनेशन बनेगी, यहां लिख लेते हैं अपन, क्या क्या बनेगी डेफिनेशन, द स्पॉन्टेनियस, कैसी, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस क्यों बोला समझ में आ गया, है ना, क्योंकि अपने आप हो रहा है, अपने आप होने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, द स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग, है ना, इंटरमिक्सिंग, क्योंकि दोनों एक दूसरे मिक्स हो रहे हैं इसलिए इंटरमिक्सिंग, द स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है, चाहे सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, दोनों ही हो, ठीक है, टू और मोर सब्सटेंसेस, सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। तो स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर, टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर, इसी को इस इंटरमिक्सिंग को क्या बोलेंगे, इस स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग को क्या बोलेंगे, इस कॉल्ड डिफ्यूजन। आई डिफ्यूजन की डेफिनेशन, ये डेफिनेशन रहती है सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग, स्पॉन्टेनियस का मीनिंग समझ में आएगा, अपने आप होने वाला, ठीक है, इंटरमिक्सिंग दोनों आपस में इंटरमिक्स हो रहे, और कब तक होंगे, जब तक कि पूरा मिक्सचर क्या ना हो जाए, होमोजीनियस, यानी कि सब जगह कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म ना हो जाए, ठीक है। तो ये होती है डिफ्यूजन की डेफिनेशन, आ गई बात समझ, ठीक है। एक जो जनरल डेफिनेशन होती है वो हमको आती है, जो गैसेस के लिए भी अप्लाई है, गैसेस पे भी अप्लाई है और सॉल्यूशंस पे भी अप्लाई है, कैसे, देखो क्या थी सेकंड डेफिनेशन, जो जनरल डेफिनेशन क्या, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, कैसा मूवमेंट, है ना, तो यहां लिख लेते हैं अपन, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का, है ना, जो जनरल हो गई, गैसेस के लिए भी हो गई है, सॉल्यूशंस के लिए भी हो गई है ना, तो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस कहां से कहा, फ्रॉम इट्स, है ना, सब्सटेंस की खुद की हायर कंसेंट्रेशन से, फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, हायर कंसेंट्रेशन से किधर किधर जाएगा, लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ, कब तक जाएगा, टिल द कंसेंट्रेशन इज सेम थ्रू आउट, टिल द कंसेंट्रेशन इज सेम थ्रू आउट, जब तक सब जगह कंसेंट्रेशन क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए, तब तक ये मूवमेंट चलता रहता है, तो इसको भी अपन क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। इस स्पॉन्टेनियस मूवमेंट को भी हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। तो क्या बन गई डेफिनेशन, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन टिल द कंसेंट्रेशन सेम थ्रू आउट, आगे समझ में, है ना। तो ये दो डेफिनेशन अपने डिफ्यूजन की बना ली, तो ये तो रहता है हमारा डिफ्यूजन।
अब आते हैं अपन ऑस्मोसिस पे। ऑस्मोसिस क्या है देखो, आओ देखो ऑस्मोसिस है ना। अब ऑस्मोसिस में और डिफ्यूजन में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखो, क्या ये लो वापस से वो बीकर लेते हैं, लेकिन अब बीकर के बीच में क्या लगा देंगे अपन, एक मेम्ब्रेन लगाएंगे एसपीएम सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। क्या लगा देते हैं, एसपीएम क्या बोलेंगे, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है ना, एक ऐसी मेम्ब्रेन जो किसको अलाउ करेगी, ओनली सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगी, सॉल्यूट के पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करेगी। ठीक है, क्यों ऐसा, क्योंकि सॉल्वेंट को अलाउ करेगी सॉल्यूट को अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि इस मेम्ब्रेन की जो पोर साइज है, इस मेम्ब्रेन के जो पोर्स की जो साइज है वो काफी स्मॉल है। अब उस स्मॉलर साइज के जो पोर्स है उनमें से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल तो पास हो सकते हैं, बट सॉल्यूट के जो बिगर पार्टिकल है, बड़े साइज के जो पार्टिकल है सॉल्यूट के, वो उसमें से पास नहीं हो पाएंगे। तो सॉल्यूट के पार्टिकल पास नहीं हो पाते, ओनली किसके पार्टिकल को अलाउ करेगी, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अलाउ करेगी, क्योंकि इसके पोर्स की साइज सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साइज के इक्विवेलेंट है। आगे समझ में, सॉल्यूट बड़े रहेंगे तो वो पास नहीं हो पाएंगे। ये क्या होती है एसपीएम, एसपीएम क्या होती है, एसपीएम जनरली वेजिटेबल मेम्ब्रेन या एनिमल मेम्ब्रेन होती है। मतलब वेजिटेबल मेम्ब्रेन और एनिमल मेम्ब्रेन का क्या मीनिंग हुआ, वेजिटेबल मेम्ब्रेन और एनिमल मेम्ब्रेन का मीनिंग है कि एनिमल्स और वेजिटेबल की जो आउटर स्किन है, आउटर स्किन के जस्ट नीचे जो सेल्स हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन। आगे समझ में, तो सेल मेम्ब्रेन को ही अपन एनिमल मेम्ब्रेन, अगर एनिमल से ऑब्टेन कर रहे हैं तो एनिमल मेम्ब्रेन, और अगर वेजिटेबल से ले रहे हैं तो वेजिटेबल मेम्ब्रेन उसको अपन बोल देते हैं। ठीक है, तो वो एसपीएम सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, जनरली पिग्स ब्लेडर यूज करते हैं, पिग्स ब्लेडर की जो मेम्ब्रेन है जनरली वो यूज की जाती है। ठीक है, तो एसपीएम ले लिया अपन ने, अब क्या करना है इसमें, अब देखो वही है ना, बीकर के दो पार्ट हो गए, तो वन साइड तो आप क्या रख लो, एक साइड तो वही कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन रख लो, वही हमने रख लिया कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन किसका, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वही डार्क कलर का। ठीक है, और सेकेंड वाली साइड जो है दूसरी साइड, इसे बन लेते हैं वाटर। ठीक है, यहां पर ने वाटर ले लिया, प्योर सॉल्वेंट ले लिए वाटर। ठीक है, बस अब इसको भी तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐसे ऐसे रख देना, आफ्टर फ्यू डेज या आफ्टर फ्यू आवर्स इसको भी देखेंगे तो फिर कैसा दिखेगा हमको, है ना। ये हमको लगेगा, हमको क्या ऑब्जर्व होगा कि सॉल्यूशन का जो लेवल है वो राइज कर रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन का लेवल राइज कर जाएगा, वाटर का लेवल नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये लो देखो, ये रही हमारी एसपीएम। ठीक है, अब सॉल्यूशन का लेवल ऊपर आ गया, अप हो चुका है, और वाटर का लेवल थोड़ा सा नीचे दिखा सकते हैं अपन। ठीक है, इस तरह से, और अब इधर सॉल्यूशन कैसा हो चुका है, होमोजीनियस, ये तो होमोजीनियस होता ही जाएगा फिर। ठीक है, तो इस तरह से देखें कि वाटर के मॉलिक्यूल्स का फ्लो किधर से किधर हो रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल इधर एंटर कर रहे हैं थ्रू द एसपीएम। ठीक है, तो जैसे जैसे वाटर के मॉलिक्यूल इधर एसपीएम के थ्रू जाएंगे, इस सारे सॉल्यूशन का लेवल क्या होता जाएगा, अप होता जाएगा, वाटर का सॉल्यूशन का लेवल, वाटर का लेवल नीचे होता जाएगा। आगे समझ में आगे, तो ये जो हुआ है, ये जो फ्लो हो रहा है, ये जो मूवमेंट हो रहा है किसका हो रहा है, पहले तो बताइए किसका हो रहा है, सॉल्वेंट का हो रहा है या सॉल्यूट का हो रहा है या दोनों का हो रहा है, सॉल्वेंट का हो रहा है, ओनली किसका हो रहा है, सॉल्वेंट का हो रहा है। ठीक है, सॉल्वेंट का फ्लो है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो डिफ्यूजन में क्या था, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों ही मूव करते थे, इसमें ओनली कौन मूव कर रहा है, सॉल्वेंट ही मूव कर रहा है, क्योंकि एसपीएम लगा दिए तो सॉल्यूट तो इधर आ नहीं पाएगा। ठीक है, अब देखो एक और जो चीज इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सॉल्वेंट इधर से तो जा रहा है ना, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड तो जा रहा है, क्या सॉल्यूशन से भी इधर आ रहा है क्या, है ना, समझा नहीं बात, क्या ये बोल रहे हैं कि सॉल्वेंट यहां से तो सॉल्यूशन की तरफ तो जा रहा है। ठीक है, बट क्या सॉल्यूशन से भी इधर सॉल्वेंट की साइड में आ रहा है क्या, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, पहली बात तो ये देखनी है क्या कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में सॉल्वेंट है या नहीं है,
सॉल्वेंट तो है क्योंकि सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है तो सॉलिड सॉल्वेंट दोनों होते हैं, तो सॉल्वेंट तो है, वाटर तो इसमें भी है। अब लेकिन बात यह कि क्या वाटर इधर से इधर भी आ रहा है क्या, है ना, तो वाटर सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की साइड में भी आ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एसपीएम जो है, एसपीएम को केवल किससे मतलब होता है कि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल होने चाहिए, फिर वो चाहे डायरेक्शन कोई सी भी हो, चाहे वो सॉल्वेंट से आ रहा हो चाहे वो सॉल्यूशन से आ रहा हो, बस वहां पर क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए। सॉल्वेंट है तो किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है, ठीक है, चाहे वो सॉल्वेंट वाली डायरेक्शन से है चाहे वो सॉल्यूशन वाली डायरेक्शन से है। ठीक है, तो दोनों डायरेक्शन से आ सकते हैं। अब लेकिन दोनों डायरेक्शन से आ सकता है, लेकिन फिर भी ज्यादा किस तरफ से आ रहा है, नेट फ्लो हम किसको बोलेंगे, किस डायरेक्शन से बोलेंगे, है ना। तो ये बिल्कुल वही बात है, इधर सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है, या आप यूं बोल दो कि इस साइड सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, इस साइड सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। ठीक है, तो यहां से भी आ रहा है सॉल्वेंट, इधर से भी आ रहा है, तो आप इसको यूं समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये लो, ये एसपीएम लगाइए, ये एसपीएम है, ठीक है, और इस साइड हमारा वाटर था, ये बीकर को मैं थोड़ा सा बड़ा करके ले रहा हूं, ठीक है, ये था, आरिवासन, और ये सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन में भी वाटर के मॉलिक्यूल थे, ये जो ब्लैक ब्लैक से अपन दिखा रहे हैं वो क्या है, वाटर के, वाटर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब वाटर के मॉलिक्यूल इधर से तो आ ही रहे, इस डायरेक्शन से तो आ ही रहे, लेकिन इधर भी जा रहे हैं, आ रही बात समझ को, इधर भी जा रहे हैं, लेकिन किस साइड से आने वाले वाटर के मॉलिक्यूल जाते हैं, इधर से आने वाले वाटर के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन, उनका नंबर, है ना, वो क्या है, ज्यादा है, और इधर से जाने वाले सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ जाने वाले वो कम है। आ रही बात समझ में, मतलब कि आप यूं बोल सकते, मान लीजिए इधर से आ रहे हैं 1000 मॉलिक्यूल, इधर से 1000 मॉलिक्यूल आ रहे हैं और उधर से 10 20 50 मॉलिक्यूल उधर जा रहे हैं। ठीक है, समझ रही बात, कि अगर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं मान लीजिए 1000 मॉलिक्यूल और इधर से आ रहे हैं 10 मॉलिक्यूल 20 मॉलिक्यूल 50 मॉलिक्यूल 100 मॉलिक्यूल, तो इधर से आ रहे 1000, इधर से वापस गए मान लीजिए 100। ठीक है, तो कितने नेट किधर गए, नेट तो 900 इधर ही गए, तो नेट फ्लो किधर हो गया, इस साइड हो गया सॉल्यूशन की साइड में, यानी सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, इसलिए सॉल्यूशन का लेवल क्या होता जाएगा, अप होता जाएगा, ये राइज करता जाएगा। ठीक है, और ऑस्मोसिस में हमको क्या देखना होता है, नेट फ्लो देखना होता है, क्या देखना होता है, नेट फ्लो। ऑस्मोसिस की डायरेक्शन बतानी हो, ऑस्मोसिस को डिफाइन करना हो, हमेशा क्या देखना है, नेट फ्लो की फॉर्म में ही डिफाइन करना है, नेट फ्लो की फॉर्म में आपको डायरेक्शन देखनी है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या होगी, है ना। अब ऑस्मोसिस की डायरेक्शन अगर मैं देखो दो तरह से पूछता हूं, अगर पहले तो मैं पूछूं कि बताओ इस केस में वाटर के फ्लो की डायरेक्शन क्या है, वाटर के फ्लो की डायरेक्शन कहां से कहां, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन है बिल्कुल है, और सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट वो भी है, दोनों साइड है, वाटर का फ्लो तो दोनों साइड ही हो रहा है। तो अगर आप वाटर के फ्लो की डायरेक्शन की बात करोगे तब तो वो सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन भी है और सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट भी है, वाटर का फ्लो तो दोनों साइड है। बट हम बात करें अगर ऑस्मोसिस की डायरेक्शन की, है ना, तब आपसे पूछा है कि ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या होगी, तो ध्यान रखें कि ऑस्मोसिस की डायरेक्शन में नेट फ्लो को ही बताया जाता है। ठीक है, क्या बताएंगे, नेट फ्लो। अब ऑस्मोसिस डायरेक्शन है कि नेट फ्लो, तो नेट फ्लो तो हमको पता ही है, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, आगे समझ में। तो ऑस्मोसिस के डायरेक्शन में हमेशा नेट फ्लो बोलेंगे, वैसे अगर आपसे पूछा है कि वाटर की फ्लो की डायरेक्शन क्या है, तो वाटर तो दोनों साइड में फ्लो कर रहे हैं, आगे समझ में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखें कि ऑस्मोसिस में नेट फ्लो को ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अब डेफिनेशन बनाए, देखो आ जाओ डेफिनेशन बनाए। अच्छा, ये तो अपन ने भी सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का केस लिया है, अपन चाहे तो दो डिफरेंट सॉल्यूशन के भी केस ले सकते हैं, कैसे, लो देखते हैं, एक केस ये भी लेते हैं। मान लीजिए एक कंटेनर में आपने, है ना, एक कंटेनर लिया और उसमें आपने बीच में एसपीएम लगा दिए, आपने एसपीएम लगा दी, ठीक है, एसपीएम। अब दोनों साइड क्या रखेंगे, हम सॉल्यूशन रखेंगे, क्या डिफरेंस है, ऊपर वाले में तो एक साइड सॉल्यूशन था एक साइड सॉल्वेंट था, अब क्या रखेंगे, दोनों में सॉल्यूशन रखेंगे, लो रखते हैं, देखो सॉल्यूशन सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन बी, ये रखें, आ रही बात समझ में। ठीक है, अब जो सॉल्यूशन ए है वो बनाया गया कैसे, समझो कैसे बनाया गया, 20 ग्राम, मान लीजिए कि 20 ग्राम शुगर, 20 ग्राम शुगर किसके अंदर है, इन 100 ml वाटर,
20 ग्राम शुगर किसमें 100 ml वाटर में, एक तो सॉल्यूशन ये है ए। अब सॉल्यूशन बी इसमें क्या किया हुआ है 50 ग्राम शुगर, कितनी ग्राम शुगर है 50 ग्राम शुगर इन 100 ml वाटर। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या होगी, है ना, तो वही बात ऑस्मोसिस की डायरेक्शन आपको क्या करना है कि आप देखेंगे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कहां ज्यादा है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन किस साइड ज्यादा है, सॉल्यूट की बात नहीं कर रहे सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सब सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन में मेल तो दोनों तरफ बराबर ही है, इधर भी 100 ml इधर भी 100 ml, ये कंसंट्रेशन नहीं है। कंसंट्रेशन आप तुमको पता है कंसंट्रेशन होता है रेशियो, फ्रैक्शन, परसेंटेज, ठीक है, ये तो केवल अमाउंट है। अब इसको रेशियो करो किसके साथ, सॉल्यूट के साथ, फ्रैक्शन बनाओ। यहां 20 ग्राम के साथ 100 ml है, यहां 50 ग्राम के साथ 100 ml है, तो वाटर की परसेंटेज कहां कम है, वाटर की परसेंटेज यहां कम है, ठीक है। आप परसेंटेज बना लो ना, वाटर की परसेंटेज कैसे बनाते हैं 100 upon, ठीक है, मान लो इसको ग्राम में ले लो ना, वाटर तो ग्राम में ml और ग्राम हो सकता है ना, तो ये 100 और ये परसेंटेज ले लो क्या 150, ठीक है। तो एक तो परसेंटेज ये आ रही है, या फ्रैक्शन बोल दो, एक तो फ्रैक्शन ये 100 upon 150, इधर का फ्रैक्शन देखो तो क्या आ रहा है 20 upon 120, ठीक है। तो यहां परसेंटेज क्या आ रही है, कम आ रही है, यहां परसेंटेज क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, किसकी, वाटर की, यानी कि वाटर की कंसंट्रेशन किस साइड ज्यादा है, ए वाली साइड ज्यादा है, और वाटर की कंसंट्रेशन जिधर ज्यादा है तो वहीं से नेट फ्लो ज्यादा होगा। तो अब ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या बन जाएगी, फ्रॉम ए टू बी, सॉल्यूशन ए से सॉल्यूशन बी, ठीक है, आ गया। आप चाहो तो इसको डायल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की फॉर्म में भी बोल सकते हो। आपसे पूछेंगे बताओ कौन सा सॉल्यूशन डायल्यूट है, कौन सा कंसंट्रेटेड है, तो सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन ए में क्या है, पानी ज्यादा है, यही बोलो सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है, तो ये सॉल्यूशन तो कैसा है डायल्यूट, और सॉल्यूशन बी कैसा है कंसंट्रेटेड, ठीक है। तो ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या हो गई है, डायल्यूट टू कंसंट्रेटेड, आ गया। तो दो सॉल्यूशन है तो उसमें तो ऐसा रहेगा कि डायल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ जाएगा नेट फ्लो, और अगर सॉल्वेंट सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, ठीक है। बस ये जो नेट फ्लो हो रहा है वाटर का थ्रू द एसपीएम, थ्रू द एसपीएम, इसी को हम बोलते हैं क्या, ऑस्मोसिस। आ रही बात समझ में, अब बनाते हैं इसकी डेफिनेशन, आओ देखो, आ गया ये सब समझ में, है ना, आओ देखो डेफिनेशन बनाते हैं। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या बनेगी, देखो क्या बनी डेफिनेशन, देखो क्या द नेट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट फ्लो आपको क्या चेक करना है, नेट फ्लो। अच्छा ये जो फ्लो हो रहा था थ्रू द एसपीएम जो फ्लो हो रहा था वो हम करवा रहे थे या अपने आप हो रहा था, अपने आप ही हो रहा था, और अपने आप हो रहा था स्पॉन्टेनियस, द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो, किसका फ्लो, अब बताओ किसका हो रहा था, सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का या दोनों का, ओनली सॉल्वेंट का, द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, किन का, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स है उनका, है ना, नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम, कहां से कहा, फ्रॉम, या तो आप क्या ले लो, या तो ले लो सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, या तो सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन ले लो, और फ्रॉम फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कि आप बोल सकते हो कि एक लोअर कंसंट्रेटेड वाला सॉल्यूशन, लोअर कंसंट्रेशन वाला, यानी कि लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड का मतलब अभी यहां पे हायर कंसंट्रेशन से मतलब, है ना, हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या हो गया, द नेट, ये नेट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें ना, द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ किसका, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, किसका, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, कहां से कहां, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, या तो सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, है ना, और या फिर फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और किसके थ्रू हो रहा है ये फ्लो, किसके थ्रू हो रहा है, एसपीएम के थ्रू, थ्रू द एसपीएम, थ्रू द एसपीएम इज कॉल्ड एस ऑस्मोसिस,
इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लगती है। और ऑस्मोसिस का ग्रीक में, इन ग्रीक ऑस्मोसिस का क्या मीनिंग है? इन ग्रीक ऑस्मोसिस का मीनिंग है क्या? पुश। ऑस्मोसिस मीन्स क्या? पुश। ठीक है, अभी समझ में आएगा कि पुश अब ये मीनिंग क्यों बना रहे। डेफिनेशन समझ में आ गया? आ गया समझ में, है ना? तो ये थी डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों के डेफिनेशन, आ गया। अब देखो ऑस्मोसिस के लिए एक चीज और है कि जो ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर जो डेवलप होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो डेवलप होता है वो हमेशा कब डेवलप होता है या ऑस्मोसिस फिनोमिना हमको कब ऑब्जर्व होगा? जब हम किसी भी एक सॉल्यूशन को, किसी भी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन को या तो सॉल्वेंट के कॉन्टेक्ट में लाए या उससे लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, है ना, या आप ये बोलते हो डिफरेंट कंसंट्रेटेड वाले सॉल्यूशन के कॉन्टेक्ट में लाएंगे थ्रू द एसपीएम, तब ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है। आगे बात समझे? तो ये जो पुश, ये जो धक्का जो लग रहा है, वो धक्का कब लगता है? किसी सॉल्यूशन को पुश जो मिल रहा है, जो धक्का जो मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है? वो मिल रहा है किसी दूसरे सॉल्यूशन के या सॉल्वेंट के कॉन्टेक्ट में आने से। आगे बात समझे? ठीक है, दो चीजें, देखो वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल सॉल्यूशन का होता है वेपर प्रेशर, उसके लिए किसी के कॉन्टेक्ट में रखने की जरूरत नहीं है उसको। बट ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा किसी न किसी कॉन्टेक्ट में रखने से ही बनता है, चाहे वो सॉल्वेंट के कॉन्टेक्ट में रखने से बने, चाहे वो लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के कॉन्टेक्ट में रखने से बने। इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है, वो किसी कॉन्टेक्ट में आने से बनती है। आ रही बात समझ में? ये तो ये डिफ्यूजन ऑस्मोसिस हो गया। ऑस्मोसिस के अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो ऑस्मोसिस के बहुत सारे एग्जाम्पल हम रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस, एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस फिनोमिना, ऑस्मोसिस फिनोमिना के एग्जाम्पल, ठीक है, क्या क्या है? किशमिश को पानी में डाल के रख देते हैं, रात को किशमिश को पानी में डाल के रख दो, नेक्स्ट डे देखो तो मॉर्निंग तक वो क्या हो जाएगी? स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी, पानी उसके अंदर एंटर कर गया, तो स्वेलिंग ऑफ किशमिश, ड्राई पीज। ठीक है, ये अपन मटर, सॉरी मटर छोले वगैरह जो है रात को भिगो के रख देते हैं तो थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है उनमें। ये सब क्या है? आरबीसी का क्या? स्वेल हो जाना, आरबीसी को वाटर में डाल दो तो स्वेलिंग ऑफ आरबीसी। ये सब क्या है? ऑस्मोसिस की एग्जाम्पल है। आगे बात समझे? सब्जी वाले जो सब्जी पे पानी छिड़कते रहते हैं उससे क्या होता है? सब्जियां क्या बनी रहती है? फ्रेश बनी रहती है। क्यों? क्योंकि पानी उनके अंदर एंटर कर जाता है ऑन अकाउंट ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, ये सब ऑस्मोसिस के जनरल एग्जाम्पल है। कुछ और एग्जाम्पल है और देखते हैं अपन, पोटेटो ऑस्मोस्कोप। आगे डेफिनेशन तो समझना होगी ना? ठीक है, अब देखो ऑस्मोसिस का डेमोन्स्ट्रेशन जो करते हैं, ऑस्मोसिस का जो डेमो देते हैं वो किससे देते हैं? पोटेटो से दे देते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं? देखो एक पोटेटो लिया आपने, ठीक है, उसमें एक कैविटी बना दी, ऐसे कैविटी बना दी, और इस कैविटी में आपने एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भर लिए, कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन मान लीजिए, भर लिए कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, और यहां आप इसमें ऑल्पिन या कोई मार्क कर सकते हो जिससे कि क्या आपको उसका लेवल पता चल जाए। ठीक है, अब इस पोटैटो को आपको रख देना वाटर के अंदर डिप करके इस तरह से, ठीक है, डुबो नहीं देना इसको पूरा, बस इस तरह से रखना। ठीक है, वाटर के अंदर रख दिया अपन ने, अब क्या होगा? थोड़ी देर में जो कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन है इसका लेवल धीरे धीरे से यहां से राइज होने लगेगा, ये लेवल अप होने लगेगा। क्यों? कि अब ऑस्मोसिस फिनोमिना इसमें होगा। कैसे होगा? यहां से देखो, जो पोटैटो की सेल्स हैं, ठीक है, सेल्स हैं, उनके थ्रू वाटर ऑस्मोसिस के वजह से होता हुआ, देखो पहले वाटर यहां एंटर करेगा, ठीक है, क्योंकि बाहर सॉल्वेंट है, अंदर क्या है? सेल फ्लूड है, सेल फ्लूड तो कंसंट्रेटेड है, मोर कंसंट्रेटेड है, ठीक है, और बाहर वाटर है तो पहले वाटर यहां जाएगा सेल में, फिर इस सेल से वाटर नेक्स्ट वाली सेल में, फिर नेक्स्ट वाली सेल में, ऐसे करता हुआ ये वाटर यहां तक फ्लो करेगा, और फिर ऐसा करने से इसका लेवल क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन ऑस्मोसिस को शो कर सकते हैं, डेमो दे सकते हैं, इसको बोलते हैं पोटेटो ऑस्मोस्कोप। ठीक है, पोटेटो ऑस्मोस्कोप। आगे बात समझ में? एक तो एग्जाम्पल ये, ठीक है, इसके अलावा अपन एग वाला एग्जाम्पल भी लेते हैं। एग वाला एग्जाम्पल कैसे लेते हैं? है ना, ये तो आगे समझ में।
एग वाला। अब देखो एग लेना है हमको एग, अब लेकिन एग जो होता है कच्चा अंडा ही लेना हमको। एग जो है उसके बाहर क्या होती है, हार्ड शेल होती है ना, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई हार्ड शेल है, वो एसपीएम नहीं है। तो फर्स्ट हमारा काम क्या होगा, पहले उस हार्ड शेल को, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी उस हार्ड शेल को क्या करना है, रिमूव करना है। वो रिमूव कैसे होगी, बहुत इजीली रिमूव हो जाती है, उसको एचसीएल सॉल्यूशन में डिसोल्व कर देते हैं। तो जैसे ही एचसीएल में डिसोल्व करेंगे तो जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो हार्ड शेल बना हुआ है वो एचसीएल से रिएक्शन करके क्या हो जाएगा, डिसोल्व हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा और ये CaCl2 H2O और CO2 में डिसोशिएट हो जाता है। बिल्कुल सिंपल है, बस ये ऐसे इस तरह से, ठीक है। एक्चुअल में ये H2CO3 है, बट H2CO3 अनस्टेबल है और वो डिसोशिएट हो जाएगा किसमें, H2O में और CO2 में। अगे बस में ठीक है, तो जो हार्ड शेल है एग की वो तो हमने रिमूव कर दिया उसको HCl सॉल्यूशन में डिसोल्व करके। अब जो एग आ गया तो अब उस एग की जो आउटर स्किन है वो SPM है, अब वो क्या है SPM। और अब आपने उस एग को रखा है किसमें, एग को हमने रखा है दो अलग अलग केस में, देखो दो अलग अलग केस लेते हैं एग के लिए। ये दो, एक बार तो आपने एग को रखा है किसके अंदर, वाटर में है ना, प्योर वाटर रख दिया, ये वाटर लिया और एग आपने इसके अंदर रख दिया, ठीक है। तो अब ये जो स्किन है इसकी, ये जो आउटर स्किन है, अब ये SPM है, ठीक है। अब अंदर जो एग के अंदर जो सॉल्यूशन है ना, जो इसका फ्लूइड है वो क्या है, वो मोर कंसेंट्रेटेड है, बाहर क्या है वाटर है, ठीक है। ये तो सॉल्वेंट हो गया, सॉल्वेंट वाटर, ठीक है। अंदर क्या है, अंदर सॉल्यूशन है इसका, एग का खुद का सॉल्यूशन है। अब बताओ वाटर के नेट फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, वाटर के नेट फ्लो यानी कि ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या होगी। वाटर सिंपल सी बात है, वाटर हमेशा कहां जाएगा, अपनी हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो अभी यहां हायर कंसेंट्रेशन है वाटर की, है ना, और वाटर की इधर कम कंसेंट्रेशन है, तो वाटर एंटर करेगा किसके अंदर, एग के अंदर एंटर करेगा, और ऐसा करने से अंडा क्या हो जाएगा, एग क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है, स्वेल हो जाएगा, आ गया। तो अब ये स्वेल हो जाएगा और वह अंडा पहले से लार्जर साइज का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अभी ये इसमें स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है। तो एग इज स्वेल्ड, आगे बात समझ में आ गया। सेकंड केस लिया अपन ने, जिसमें क्या किया, एग को अपन ने किसमें रखा था, एग को हमने रखा था कंसेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन में, किसमें रखा था, कंसेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन में। अब ये जो सॉल्यूशन है वो है कैसा, कंसेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन, कंसेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन है, ठीक है। और अब इसके अंदर रखेंगे अपन एग को, ये लो ये रखा अपन ने एग, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब बाहर की कंसेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, ये क्या है मोर कंसेंट्रेटेड, ये क्या है मोर कंसेंट्रेटेड, ये है मोर कंसेंट्रेटेड, अली बात समझ में। और अब अंदर की जो कंसेंट्रेशन है एग के अंदर के सॉल्यूशन की, एग के सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन क्या है, कम है, यहां कंसेंट्रेशन क्या है लो, ये है लो कंसेंट्रेटेड, ठीक है। तो अब बताओ वाटर के फ्लो की डायरेक्शन, नेट फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, तो वाटर का फ्लो होगा कहां से कहां, वाटर का फ्लो होगा एग से बाहर सॉल्यूशन की तरफ, किस तरफ होगा, एग से बाहर की तरफ जाएगा, सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, ठीक है। और अब इस सिचुएशन में एग क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, एग क्या हो जाएगा, श्रिंक, इस तरह से ये श्रिंक हो जाएगा, हमारी बात समझ में, एग श्रिंक हो जाता है। तो अब यहां एग क्या हो चुका है, श्रिंक हो चुका है, है ना, ठीक है। तो एग श्रिंक हो गया, यहां पे एग क्या हो गया था, फूल गया था, यहां पे अंडा क्या हो गया, सिकुड़ गया, ठीक है, क्योंकि अंडे का पानी बाहर चला गया, यहां पानी अंडे के अंदर आ गया था, ठीक है। और इसी बेसिस पे ऑस्मोसिस के अभी दो टाइप बन जाते हैं, ये तो बन जाता है कौन सा ऑस्मोसिस बोला जाएगा, एंडो ऑस्मोसिस, क्या बोला जाएगा, एंडो ऑस्मोसिस, क्यों, क्योंकि इसमें तो क्या हो रहा है, वॉटर अंडे के अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है। तो ये तो एंडो ऑस्मोसिस है, और ये क्या है, ये एग्जो ऑस्मोसिस, क्यों, क्योंकि इसमें वॉटर एग से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो एग के रिस्पेक्ट में ये एंडो ऑस्मोसिस और एग्जो ऑस्मोसिस, ये दो टाइप का ऑस्मोसिस फिर होना हो जाता है, आ रही बात समझ,
तो ये था ऑस्मोसिस और उसके एग्जांपल्स। आया ये था।